जिंदगी दर्द का निसाब रही, मनी लॉन्ड्रिंग वजह एहतसाब रही, नारे लगाते थे खुशहाली के और खुशहाली एक ख्वाब रही। कौम अब भी है नारे लगा रही, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चेहरे पे भाईजान की खुशी देख रहे हैं। इड इज इन, यकीन करो 1122 नु मैसेज करन दे, प्लीज कॉल मी। इतने ज़हीन आदमी, एक दोस्त ने शेर का बच्चा गिफ्ट किया। अच्छा। 12 दिन के बाद मर गया। क्यों? गोश्त खिलाते नहीं थे, उन्हें पट्टे पाउन लग पे। जलेबी वाले नू जाके कह रहे पाए थे मेरे टैटू बना दे जरा। ए ते इड्डे ते यकीन करो, अशबाज शरीफ साहब ने मशीन नहीं कड्डी रोटियां वाली, उन्होंने कहते बंद करके मैंने हूटे दे। बहुत अच्छे। एकदम अपने पापा से लड़ पड़े। क्यों? कहने के मेरी प्रॉपर्टी से मेरा हिस्सा दो। अच्छा। फिर पापा ने कहा बेटा याददाश्त अपनी कायम करो, हम किराए के मकान में रहते हैं। और फिर उन्होंने कहा 2000 किराया बनता, 1000 तेरा हिस्सा बनता। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हुई है, एक्टर मॉडल और किसी जमाने में होती थी विजय भी, मोहतरमा मायरा खान। उनका साथ देने के लिए हमारे बिल्कुल एक यंग एक्टर, अभी रिसेंटली आपने उनको अहदे वफा के ने बहुत पसंद किया, जनाब अदनान समद खान। वेलकम टू द शो जी, माशाल्लाह दोनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बड़े प्यारे मेहमान हैं सर। हाँ। और शेर भी मैं दोनों जैसा प्यारा ही लेके आया हूँ। एक एक्ट्रेस और एक एक्टर, दो मेहमान हैं दोनों खान। एक्ट्रेस और एक एक्टर, दो मेहमान हैं दोनों खान जी। मायरा चांद है पहली का, मायरा चांद है पहली का, और समद गुले गुलजार, दोनों टीवी ड्रामों की और फैशन की हैं शान। मेरा शेर मैडम के लिए। मेरी ख्वाहिशें क्यों आहें भर रही हैं, मेरी ख्वाहिशें क्यों आहें भर रही हैं, जो काम नहीं करना चाहिए था वो तुम्हारी बातें कर रही हैं, मेरे सर की खाई थी जो तूने झूठी कसमें, मेरे बालों का बेड़ा गर्क कर रही है। जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, बेसब्रा जो हमारा था हमारा ना हुआ, ना हुआ। दोनों एक दूसरे की कसमें खाते रहे कैसर, मगर अल्लाह को कोई प्यारा ना हुआ। बहुत ही एक इंतहाई रियलिस्टिक पिक्चर पेश की आपने हार्ट ब्रेक्स की, आप इससे एग्री करती हैं? कौन सी वाले? नहीं, वो जो आखिरी वाली बात की इन्होंने, कोई गया नहीं मतलब। हाँ, कि ये जो बातें होती है कि मैं गई तुम गए मैं गई, नहीं कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता ना, काम पे जाना जी। सही कहा, जिसने जाना होता है वो काम पे जाता है। क्या हाल है आपके मायरा जी? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। आप हमेशा हमें मुख्तलिफ तस्वीरों में मुख्तलिफ दुनिया के शहरों में नजर आती हैं जी। क्या ट्रैवलिंग का इतना शौक है आपको, या आपने किसी एयरलाइन में काम शुरू कर दिया है? एयरलाइन मैंने ज्वाइन करनी थी, अब्बा ने करने नहीं दी क्योंकि मेरी खाला डाइड इन अ क्रैश, तो उसके बाद फैमिली में एक वो हो गया था कि नहीं, बट काम लेके चला जाता है वैसे मुझे, आई एम सो लकी माशाल्लाह। मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं अमेरिका में होती हैं। जब से आपका शो लास्ट टाइम करके गई थी और आपसे मैं वादा करके, उसके बाद मैं नहीं गई अमेरिका, उसके बाद अच्छा बस हमारे सिर्फ नजर लगाने की देर थी। हुआ ये कि इस साल कोरोना से पहले और बाद मैंने इतना ट्रैवल किया है कि मैंने मेरे ख्याल में लाइफ में इतना ट्रैवल नहीं किया होगा काम के लिए जितना मैंने कोरोना में ट्रैवल कर लिया। बल्कि आर भी सुते ही कर रहे हैं
जासी बैठे ने इतना सफर किया। आप तो पहले हमारे शो पे आए ही हैं, आपका फर्स्ट टाइम है समझ आई जी, बिल्कुल। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वेरी गुड। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ। तो आपको अंदाजा भी है? बिल्कुल है। जबरदस्त। दो दिन से प्रिपेयर कर रहा था। दो दिन से प्रिपेयर? क्या प्रिपरेशन की आपने? मैं शो देख रहा था। अच्छा, शो देख के अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे थे? जनाबा ये नहीं है, ये सर्दी ना सूंघड़ गई यार। पहले तो एक चीज, आपको इनकी बात समझ आ रही है? आ रही है। अच्छा फिर खोल के करें। कई बार हिंड्रेंस होती है ना, नई लैंग्वेज आपको, पंजाबी बहुत आपको शायद नहीं, कई बार लोग हमारे गेस्ट को समझ आती, तो इसलिए हम बिल्कुल कहते हैं कि इनको उर्दू में करें आप। तो तुझे पैर क्यों हिला रहे? केड़ी खलाई ब्रेकां लाई जा रही है? यार तुम्हें क्या पता? ना मेरे भाई हैं अदनान भाई, तो मैं तो आराम से जरा मेरे अपने भाई हैं, ये फिल्म स्टार हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तीनों बैठे हुए हैं, ये इतने लाजवाब आर्टिस्ट, और मैं पहले तो खड़े होकर इनके लिए ताली बजाना। रीसेंट ड्रामा इनका बहुत जबरदस्त गया, अहदे वफा, और उसके अंदर इनको अप्रिशिएट भी बहुत किया गया, एक बड़ा अच्छा, एक तरह से आप कहें कि टेलीविजन का जो डेब्यू था, तो मजा आया आपको ये डेब्यू के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आया जी। यूजुअली होता नहीं है कि डेब्यू के अंदर इतना ज्यादा शुरू का काम होता है उसको अप्रिसिएशन मिल जाए, सो दे आर वेरी फ्यू एंड लकी पीपल जिनको शुरू में ही अप्रिसिएशन इतनी ज्यादा मिल जाती है। तो ये आपके साथ तो हो गया है, एंड यू एंजॉयिंग दैट? आई एम एंजॉयिंग। ये जबरदस्त। मुझे एक बात बताएं वैसे मायरा, आपने जब स्टार्ट किया था, आई रिमेंबर आप एक शो करती थी। या या वेंट यू अ किड व्हेन आई स्टार्टेड? मैं भी उसी जमाने का हूं। तो एक शो आपका चलता था उस जमाने में, तो बिल्कुल ही यूनिक था वो, आई विजन को 15 एक साल पहले शायद वो स्टार्ट हुआ होगा, और उस पे बड़ा वो गॉसिप भी आती थी, सेलिब्रिटी गॉसिप होती थी। दिस इज 2005 बिल्कुल। और मुझे याद है कि उस जमाने में शुरू में तो लोग ने देखना शुरू किया, और फिर उसके बाद बहुत से मीडिया इंडस्ट्री के अंदर ही जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे वो नाराज भी होना शुरू हो गए, और मुझे याद है कि आपको बहुत वो उस वक्त ये बुरा समझा जाता था कि इन्होंने हमारे बारे में खबर दे दी, वो दी बहुत तेज सी है। एग्जैक्टली, ये बहुत सी चीजें सुनने। मगर अब आप जब देखती हैं ये जो सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको वैसे कुछ याद आता है वो ज़माना कि मुझे एक अकेली को ये लोग क्या करते थे, टारगेट करते थे, और अब सोचे कि आप मतलब ईंट उठाएं तो आपको एक कोई ना खबर मिलती है, या फिर कोई एक न्यूज़ रियल और फेक जो भी हो वो मिल जाती, पूरा का पूरा कल्चर ही चेंज हो गया। बिल्कुल, और बहुत जल्दी चेंज हुआ है। अब अगर मैं सोचूं भी कि इस तरह की गॉसिप का शो कर लूं, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज़ देयर इज गॉसिप एवरीवेयर एंड एवरी सेकंड। एग्जैक्टली। जिस जमाने में ऑब्वियसली वी स्टार्टेड और आई स्टार्टेड 2005-06, उस वक्त तो बॉयफ्रेंड के नाम पे भी मतलब ऐसा होता था कि अब्बा गर्दन काटते हैं, एंड नाउ इट्स लाइक सो ओपन। लेकिन उस टाइम कुड़ियां भी शर्मीली होंदी सी ना, मैं कोई चीज वेके नाल ही दुपट्टा अद्धा खा लेना चाहो बेहतर वेके नहीं नहीं मैं शर्मीली नहीं सा। एवरीथिंग इज सो कॉमन। उस जमाने में तो हम डरते थे कि हाय अगर थोड़ा बहुत अफेयर कुछ लिखना दिया जाए हमारे बारे में, अब तो लोग अपने खुद खबरें देते हैं, लगवाते हैं, और अब हमारे अफेयर ही नहीं चलते। अफेयर आपने सीखा कि अब बहुत लोग अपनी खबरें खुद बनवाते हैं। आपको भी वैसे अभी तक लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया कि वो जो होते हैं कि आपकी सोशल मीडिया पे हम खबर लगाएंगे, आप हमें हायर कर लें, कुछ बताएं अपने बारे में कि हम एमी उसकी दो की छह लगा के आगे बताएंगे? ये हुआ था लेकिन मैंने करने नहीं दिया था। नहीं करने दिया था? क्या आपके बारे में खबर आई थी ऐसी? खबर नहीं आई थी, वो उन्होंने कहा था कि हम इस तरह से बना देंगे, और जिस वक्त मतलब मेरे पहले इंटरव्यू से पहले लोगों को मेरे बारे में पता नहीं था। अच्छा, कैरेक्टर माशाल्लाह हिट हो गया था, तो लोग फिर अपनी तरफ से खबरें घड़ घड़ के उनको आके। तो क्या क्या आपके बारे में इन्होंने जो खबरें बनाई, क्या आप शादीशुदा हैं? ये भी हुई थी मेरी फैमिली की, वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, फेक फैमिली की, फेक फैमिली की पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो है, मिली अदनान समद खान की फैमिली से। अदनान समद खान ने यहाँ से ये किया, यहाँ से यूं किया, लंदन से पढ़ने गए, यहाँ किया। मैं परेशान था, मैं तो गया ही नहीं ना किसी, मैं तो पेंड स्कूल पढ़ने गया लंदन के। मगर नहीं, आप वैसे मैरिड हैं? जी नहीं। आप नहीं है? चलें, ये तो एक आपके फैंस को पता चल जाए कि ये शादीशुदा नहीं है। इतना हिट हो कभी नहीं हो रहा, अभी स्टार्ट हुआ है। हां जी, तो सर ताड़े वर्गे हर किसी दे नसीब तो नहीं ना। मगर अच्छा, चलो ये तो क्लियर हो गया कि नहीं है। हाँ जी। और होना चाहेंगे अब जल्दी? जल्द तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में किसी टाइम, फ्यूचर में किसी टाइम पे। अभी आप अपने करियर पे फोकस करना। मुस्तकबिल करीब में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी आपकी एज क्या है? 10 ये नादरा ऑफिस से होता है ना, शनाख्ती कार्ड बनाओ। नहीं, मगर अभी तो काम शुरू किया आप, एज ए सीनियर इनको क्या एडवाइस करेंगी? मैं एडवाइस करूं तो कर तो दे। Who's still single? नहीं single, मगर वैसे आप उसको बता सकती हैं। I think one should multitask. करियर बीच में एक वो नहीं होना चाहिए शादी के। अच्छा। शादी एक जिंदगी तो आपकी चलती रहती है, करियर भी पूरी जिंदगी चलता है,
तो मेरा नहीं ख्याल शादी कोई हर्डल है as far as profession is concerned, if you know how to handle everything. कितने बहन भाई आप? हम जी तीन भाई हैं और एक बहन है हमारी. और आप कौन से नंबर पे आते हैं? मैं तीसरे नंबर पे आता हूं. आप तीसरे नंबर पे भाई हैं, आपके जो दोनों बड़े भाई हैं उनकी हो चुकी हुई है? नहीं. अच्छा, आपके पास तो फिर मार्जिन ही बड़ा है. नफरतें दे के मुझे प्यार दिया जाएगा, भूत सर से मेरे उतार दिया जाएगा, हर शहर में वो बनाने लगे लंगर खाने, हम समझते थे रोजगार दिया जाएगा, काम घर के लिए जाएंगे जिसमें सारा दिन, छह दिनों बाद वो इतवार दिया जाएगा, हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अदनान, ये बताएं, आपने नापा से ग्रेजुएट किया? जी जी बिल्कुल। ये आपको ख्याल कहां से आया? एक्चुअली एक्टर बनने का ख्याल मुझे बचपन से था, ठीक है, शौक भी था। तो जिस वक्त मैंने इंटरमीडिएट किया, सोचा मैंने क्या किया जा सकता है, तो जितने नंबर थे, नंबरों ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते। क्या एज एन एक्टर मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे शौक था। तो मैंने देखा कोई अकेडमी वगैरह, क्योंकि मैं देखता था अब्रॉड के अंदर है इंस्टीट्यूट वगैरह, तो फिर जिस वक्त मैंने सर्च किया तो यहाँ मुझे मिला। तो फिर आप गए नापा? जी। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है, यूजुअली हमें बहुत से यंगस्टर्स पूछते हैं। मुझे पता नहीं था, और जिस वक्त मैंने देखा फिर मैं हैरान हुआ, और फिर वहाँ जाना फिर मेरा मकसद हो गया था। और हमारे पास बहुत से जबरदस्त एक्टर्स भी वहाँ से निकल के आए हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, जो कि बहुत से लोग नहीं रियलाइज करते। अक्सर हमें पूछते भी हैं लोग के जी क्या करें, हमें एक्टिंग का शौक है, तो मैं ये कहता हूँ कि भैया पढ़ाई कर लो इसकी, अगर करनी है पहले असल वाली पढ़ाई करें, और उसके बाद अगर ये करना है तो फिर इस काम के लिए करें। वो जो बीच में से शॉर्टकट मारने के चक्कर में होते हैं वो ना करें, क्योंकि अब तो एक जगह है जहाँ पे आप जाके और बड़े वहाँ पे जिस किस्म के वेटरन्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ज़िया मोहुद्दीन साहब हैं, तलत हुसैन साहब, राहत काजमी साहब, सो मेनी ऑफ देम, हर शोबे के अंदर, मौसीकी का शोबा हो गया, एक्टिंग का शोबा हो गया, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे आपको जाने का मौका मिला है। और आई बिलीव कि आपने वहाँ थिएटर भी किया होगा। जी बिल्कुल, वहाँ होता है थिएट्रिकल आर्ट्स, तो वो अदाकारी भी थिएटर के अंदर होती है सारी, और मौसीकी वगैरह भी आप थिएटर के अंदर वो परफॉर्म वगैरह करते हैं ऑडिटोरियम के अंदर, और थिएटर की ही तालीम होती है 3 साल। ये देखें मायरा कैसे कमाल नहीं है, कमाल है। ये भी अब शुरू हो गया हुआ है, उस जमाने में भी काश होता तो हम भी चले जाते। बिल्कुल सही बात है। उस जमाना तुसी केड़ा मसल के टीपू सुल्तान दे दौर दे भैया, ये 13 साल पहले भी नहीं था, ये आपको आइडिया नहीं है। 2005 के अंदर साडे ते सीबा दी गल है, ताडी जिंदगी च नापा आ गया, साडे ते जदों भी घर आया चाचा ही आया, जदों भी आया जत्ता आया, नहीं साडे ते सियापा भी आया, ओ ते भुगत भी रहे हैं जी। मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इनका फैन हूँ ना, तो सबसे प्यारी मुझे इनकी आंखें लगती है ना, कि प्यारी आंखें हैं माशाल्लाह, खूबसूरत चुन्नी हुई भी है, अच्छी लग रही है आपको। लेकिन पहले देखी हैं, आज नहीं देखी। हाँ, फैन हूँ ना, तो इतनी प्यारी आंखें हैं, इन आंखों को क्यों उनको प्यारा लगता है ये बताएं जरा। इन आंखों को क्यों कोई प्यारा नहीं लगता जी? ना शायराना सवाल कर लिया आपने मुझसे अचानक। सर मैं अपने कजन को ताड़ी खातर जैकेट मांग के ले आया सिर्फ के प्यारा लगे, सिर्फ कजन नाल आया मेरे ने लेके जाऊंगा। इसलिए मैं आपका फैन हूं ना, पूछना चाह रहा हूं कि कैसे। बस आपके अलावा कोई प्यारा लगता नहीं है मुझे। ऐसी बात सुनने के बाद अमूमन इन जैसा इंसान वैसे अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अभी तो मेरे पास आपके गाड़ी का नंबर है, कहीं फोन का मिल जाए ना। वो जो आपके पास गाड़ी का नंबर है ना, वो उबर वालों का, गलत गाड़ी के पीछे ना लगिएगा प्लीज। नहीं लेकिन जो भी, चले ठीक है, अच्छी बात है। मगर उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, वो बहुत खुश है अपने करियर के साथ, इस किस्म का कोई उनके जहन में नहीं है। नहीं उन्होंने बता तो दिया, मैं उनको प्यारा लगता हूँ। अच्छा, आप दूर दूर हैं, आप लाहौर में, कराची, बस यादों में बसेरा है, ज्यादा अच्छा है, ऐसा खर्चा नहीं होता घर दे। हाँ जी। वैसे आप तबीयत से रोमांटिक इंसान है, कंपोज आदमी है, सीरियस आदमी है, रिजर्व्ड आदमी हूँ, और बड़ा प्राइवेट सा आदमी हूँ। अच्छा। मैं सोशल मीडिया के ऊपर मैं ज्यादा एक्टिव नहीं होता, जिसके ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा शिकायत है। अच्छा। मैं ज्यादा रोमांटिक नहीं हूँ। रोमांटिक नहीं है। और मैं ज्यादा शेयरिंग भी नहीं हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को जो है ना बिल्कुल अकेला रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं कंपनी से ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अकेला। अच्छा, लोन रेंजर है यानी कि ये तो बिल्कुल। फिर कैसे एक्सपीरियंस होगा, कैसे दिल टूटेगा, कैसे वो चीज आएगी? नहीं, क्या चीज है जो आएगी? वो जो आती है। अच्छा, एक सवाल है खातून की तरफ से कि ये कैसे आपका दिल टूटेगा, कैसे वो चीज आएगी? वो एक जो आती है अंदर से, एक जो अगर नसीब में होगा तो आ जाएगी, क्योंकि मैं आशिक मिजाज हूँ नहीं। अच्छा। दो चार बार मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है दिल टूटना, इश्क होना। आई थिंक एक्चुअली यू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट बीइंग एन एक्टर।
नहीं नहीं नो ही शी इज ऑन बट जनरली इन लाइफ इन एज अ ह्यूमन एज अ ह्यूमन यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक आप नहीं यकीन रखते इसके अंदर मुझे नहीं लगता ये कोई वाइटल एलिमेंट है कि लाजमी दिल ही और वैसे आप क्या ये वाला एंगल शायद सीखना ही नहीं चाह रहे कि मैं क्यों भाई मैं इधर जाऊं सड़क पे क्यों मतलब मैं रात को जो सब सोता हूँ मैं फिल्म्स के बारे में सोचता हूँ मैं सीन्स के बारे में मोनोलॉग्स के बारे में सोचता हूँ वहाँ फिर मैं किसी और के बारे में सोचता हूँ हाय मेरा दिल तोड़ गया वैलिड पॉइंट मायरा के वो नहीं चाहते हैं सर जी जब ऐसे किसी शख्स को फिर प्यार होता है ना तो फिर हैवी होता है अच्छा इन्हां दा सारी जिंदगी दिल नहीं टूट सकता जदों टूटना कभी गिट्टा टूट गया कभी बाजू टूट गया भाई इन्होंने एक और एंगल दिया है इन्होंने कि आप ये आपको कैसे लगता है मैंने देखा है देखा वड्डियां नूं नहीं वैसे मैंने भी फील किया सर ऐसा बंदा चारों खाने चित हो जाता है ना? अच्छा फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता फिर वो गलियों में फिर रहा होता है इतने मेरी दुकान सी क्या हो रहा है इस तरह का हो जाता सर अच्छा ये ऐसा कुछ लग रहा है दान होगा उम्मीद तो नहीं है ना मैं चाहता हूँ लेकिन अगर ठाकुर साहब ने कह दिया तो फिर हम ताबेदार नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे फजूल में दिल तोड़वा लें जनाब उन्होंने लाया बस भाई मैं ना इस करके ना आया नहीं मेरे ना मोबाइल वाली दुकान से चोरी हो गई बहुत मोबाइल चुके गए तीन दिन थाने के चक्कर लाए फिर मैं सीपीओ साहब को गया अद्धे घंटे च उन्होंने मेरे मोबाइल लभ के देते अच्छा और मैंने बैलेंस करवा के दिता उन्होंने मोबाइल अच्छा हूँ जो भी पंजाब पुलिस कॉल कर रही होंगी किसी को मैनू फोन करते हैं यार साडा मैसेज दे दे अपने फोन से क्योंकि बैलेंस उन्होंने देना जनाब नाके से जावा पुलिस वाले रोक के कह रहे होंगे वो जा रहे साडे बैलेंस से पलन वाला ਜਾ ਚ ਉੱਠਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਓਏ ਕਰਮ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ ਪਾ ਕੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3310 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੇ ਇਹ ਵੀ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛੂ ਸੇ ਦਿਸ ਆਟੋ ਫੋਕਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ECG ਨੂੰ ਵੀ CNG ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ नहीं ते 40 साल तक स्टूडेंट कह के बसां सफर कीता इस भाई ने मेहमान आए मैं बात कर रहा हूं ये हाल है महाराज जी अच्छा की हाल है दनान भाई बड़ा कलेजी बेटा नाल पेंट कोट पाया तुसीं लेकिन मैं सिर्फ इन्हां दा करके आया दनान साहब दा करके कि मायरा जी नूं ते ओ जिहड़ा लाटू जिहा छड़न दे सी ना उहनूं ते मैं निबड़ लांगा जिहड़ा पी अपणे नूं ते तुसीं ब्याह क्यों नहीं करना की वजह की है इन्हां दा रिश्ता वी इहनां कुड़ी वालिआं नूं पुछणा तुसीं इस्तरी दोगे सिर्फ इस्तरी दी खातर ब्याह कर लेना मैं उहनूं पता नहीं ना हुंदा दनान भाई बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है बहुत अच्छा जी लेजेंड है चले आप चलो देखो महाराज जी असीं तुहाडे फैन हैगे एक मिनट देखो मेरी गल सुनो की गल सुनो हाजी साहब मेरी गल सुनो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਲ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अदनान ये बताएं आपको वेलकमिंग लगे जब आप टेलीविजन इंडस्ट्री में गए बाकी एक्टर्स जो सीनियर एक्टर्स मौजूद थे उसके अंदर जी बिल्कुल एंड दे हैव बीन अप्रिशिएटिव ऑफ दैट बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये भी एक बड़ा हमारा हम रीसेंट टाइम्स में देखें नेपोटिज्म और इस किस्म के बहुत एक एलिटिज्म और ये काफी इज्म्स आगे हुए हैं क्योंकि इंडिया में बात शुरू हुई तो फिर हमारे यहाँ तो होनी ही होनी थी चाहे उसका तुक बने या ना बने तो हम लोगों के यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस पर लिखना शुरू किया बिकॉज यू आर अ यंगस्टर हु इज नॉट
related to anyone in the industry. आपको feel हुआ ये nepotism और ये सब चीजें elitism के जी नहीं दे रहे काम या चीजें नहीं हो रही? जितने लोगों से मेरा ताल्लुक हुआ है, ठीक है, वो potential को appreciate करते हैं, ठीक है, बाकियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। हमारा आपको लगता है कि हैं ये सब चीजें यहाँ पे? Nepotism की अगर आप बात करेंगे, so there's a debate to that. I think if my daughter or my son wants to work into this field, I think I will allow for sure. अभी मैं जहाज में थी तो there was this PSP, police officer sitting with me. और क्योंकि मास्क पहने हुए थे तो पता नहीं चला, सो वी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन कि जी पानी की बोतल दे रहे हैं सिर्फ जहाज में और टिकट इतनी महंगी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मील सर्व नहीं हो रहा क्योंकि सारे सब एक साथ मास्क उतारेंगे तो ज्यादा यू नो इट्स नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो उनसे इस तरह की बात हुई तो कहते हैं व्हाट डू यू डू, सो आई टोल्ड हिम कि मीडिया से ताल्लुक है, तो मुझे कहते हैं कि अच्छा, कहते मैं तो अपने बच्चों को कभी ना आने दूँ। सो देयर वाज अ लॉन्ग डिबेट जो मैंने फिर शुरू की, फिर उनको ये यकीन दिलाने में कि और भी इस तरह के शोबे हैं जिनमें आप जाते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन किस तरह आपको पुश करते हैं, आप पे यकीन कितना पुख्ता है आपकी फैमिली का। तो फिर आप कहते हो कि नहीं यार, मेरी फैमिली का एक इज्जत है, एक मान है, वो मैंने आके लेके चलना है। तो बीइंग अ गर्ल डजंट मीन कि आप एक्ट्रेस नहीं बन सकते और आप अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकते, आप बदनाम होंगे। ये एक बहुत क्लीशे सी चीज़ है हमारे माशरे में। तो नेपोटिज्म जहाँ तक, आई डोंट थिंक सो, अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो मैं तो अपनी बेटी को जरूर लेके आना चाहूंगी इस फील्ड में। नहीं, मगर एक और वो इस पर डिबेट आता है, वही जिस तरह आपकी, अगर मैं एग्जांपल को पे करूं कि अगर आपकी बेटी आना चाहे इस काम में, तो वो बेचारी इस काम में इस वजह से ना आए कि मेरी वालदा भी एक्टर थी, तो ये तो गलत बात हो गई ना फिर। एग्जैक्टली, तो ये वो बेचारा क्या करे, मतलब अगर मेरी वालदा थी इस फील्ड में तो फिर मैं ये, मगर एज लॉन्ग एज की अपॉर्चुनिटी जो है वो जैसा आपने कहा कि शेयर हो रही हो किसी भी इंसान के साथ, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, जो कि मुझे फ्रेंकली हमेशा लगता है कि हमारे मुल्क में है। मुझे नहीं पता साथ वाले मुल्क के अंदर चाहे एक इशू होता हो कि वहाँ पे, मगर हमारे मुल्क में तो एक्चुअली जो स्टार्स के बच्चे आए हैं वो उन बेचारों के साथ ज्यादा बुरी हुई है। कुछ के साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरी हुई है, इवन द वंस हु हैव बीन एबल टू मेक इट, वो उनका जर्नी मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल रहा इन टर्म्स ऑफ वो, कि वो एक और डिबेट में फंसे रहे बेचारे कि वो आपके अब्बू ऐसे एक्टर हैं तो आप तो हैं नहीं ऐसे, कंपैरिजन बहुत ज्यादा शुरू हुआ, और वो एक आउटसाइडर के लिए ज्यादा ईजी रहता है बिकॉज वो बिल्कुल वेट के बगैर आता है। उसको कोई मार्कअप नहीं मारना कि मेरे अब्बा या मेरी वालदा ऐसी थी या उनके तक जाना, वो एक बड़ा होता है। अदर देन द फैक्ट के जो नहीं बन पाए उनकी भी लिस्ट बहुत एक ज्यादा लंबी है। जो साहब आप ये देखिए ना कि जो आउटसाइडर आने की कोशिश कर रहा है उसको कितने प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी से, उसको सोसाइटी नहीं आने देती कि ये कैसा काम है जिसमें आप जा रहे हो, उसको उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो बड़ी स्पीड से जाता है, फैमिलीज आ जाती है, बड़ी स्पीड से मकान बनाना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली, रेडी वन, रेडी वन, रेडी वन, 2 3 4 जाने जला के देने, जाने जला के देने, कास्टिंग डायरेक्टर हो गया ना करे। ओए डायरेक्टर हाथ पाया हॉलीवुड नु है। यस माय डियर राजा जेम्स कैमरॉन। अरे भाई सिर्फ जेम्स कैमरॉन है वो। मेरा यार, मेरा क्लास फेलो हैगा। किधर? वो सरासी कोलंबिया यूनिवर्सिटी दो में पढ़दे हुंदे सा। टर्मिनेटर नहीं देखी? देखी है। वो टर्मिनेटर जिने बनाई सी। जी जी, पहले उन्हें बनाई है टर्मिनेटर, हुन बना लिया सर्मिनेटर। ठीक है। हाँ, उहदे विच उन्हें मैंने कहा भी तीन बंदे तू पाकिस्तान च सानू देने ने। ओके। ते वो फिर एक साइलेंट रोल सी, उहदा डायलॉग कोई नहीं सी। अच्छा। वो मैं उस्मान बुजदार साहब नाल पक्का कर रहा। वो पक्के हो गए ने। मैं कहा सर दसो किन्ने पैसे लाओगे? हाँ। कहने पैसे मैं नहीं चाहिए। अच्छा। मुल्तानी कढ़ाई दे 22 सूट। हाँ। ते दो रंगीन पीड़े। उन्होंने कहा पैसे मैं नहीं चाहिए। पेमेंट नहीं चाहिए। हाँ जी, लीडिंग रोल। ओके। कायम अली शाह साहब हो गए ने। वो मैं उन्हें एग्रीमेंट साइन करा के ले आया सिंधु उन्होंने पिंडो। अच्छा, कितने में हुए? हाँ, पैसे नहीं उन्होंने मंगे। तो फिर क्या उन्होंने कहा भी मैनू एक एयर एम्बुलेंस चाहिए ते दो सिलेंडर चाहिए। मैंने कहा पैसे की जरूरत नहीं, हमारे पास बड़ा पैसा है। हाँ। हम कोई इधर फार्क बैठा है, जब तक मीर इमरान खान है हमारे पास काम तो कोई आए नहीं। हाँ। तो हम जाएगा। बस एक बंदा रह गया। कौन? उन्हें क्या ऐसा बंदा चाहिए। हाँ। जेड़ा अपने आप नु एक्टर कहिंदा होवे। हाँ। लेकिन शक्ल तू लगदा ना होवे। हाँ। वेख के लगे कि नहीं यार मैं फजूल आदमी। हाँ। वो मैं तुहाडा कह इनकार ना करना। देखो जो बंदा सूट करता है वो मैं उन कर देती ठीक है। लम्मा करना करना वो ना भी टाइम घटेगी। परसों शूटिंग शुरू हो रही है। बारह लेब तुसी नहीं जाना। अच्छा। तो आड़े वास्ते कैमरे इत्थे ही आउणगे। इत्थे ही शूट होना है क्योंकि उन्होंने नाल तुहानू सिर्फ 2 किलो आटा ते 1 किलो चीनी देनी है।
इसकी भी क्या जरूरत थी? लेकिन उन्होंने क्या खराब ने चीजा सी सुटनी इन्हें दे दिया। सर तुसी की समझ दियो कि मैं आम गल की थी नहीं। मैं क्या नहीं नहीं मैं नहीं मनिया। मैं क्या सर 3 किलो मच्छी नाल। मैं कह 3 किलो मच्छी खा लेगा। मैं क्या अगर खराब हुई तो खा लेगा। पेमेंट लेनी जे ते दे 200 रुपया। मैं अभी शो के दरमियान में हूँ इसलिए। ओ माशाल्लाह। ओ माय गॉड। ए ते मेरी फैन ने जी आप इनके होंगे। मैं ते इन दा फैन हैगा यार। इन दा मैं एक ड्रामा देखा हम कहां तुम कहां। अच्छा यार क्या क्लास दी अदाकारी की थी एडमायरा खान साहब। एडमायरा खान साहब ने फिल्म कदों आ रही है कलाशा पता नहीं अभी कब आएगी। अच्छा जी मैं उन्होंने भी पूछे फिल्म वाले क्या पता नहीं अपना कोई शरीफ उस्मान पीरज़ादा साहब दे इलाके यार मैडम नाल मैं एक तस्वीर लेनी। मैडम से पूछो Can I have one selfie, please? Oh my God, yes. ये नू क्या देने etiquettes? तानु कोई ऐसा मज़ नवं ड्रामा देखे जे? केड़ा? जलन जड़ी ऐसे ले तोड़ देले जो हो रही है। बहुत कमाल रोल की था जे तुसी। ये ऐसर सोशल डिस्टेंस तो सोशल डिस्टेंस जरूरी है। Thank you. Thank you. आपका शुक्रिया सर। सर कैन आई हैव? सर जरूर जरूर। फोटो च भी सोने लग दे रहा हूँ बड़ी गल है। अपना कहते सर एक गाना है। अच्छा जे तुसी कहो तो उन्होंने मैंने कहा सी। अच्छा ते मैं इनकार कर देना। बिल्कुल टेंशन दे मुक्के। ते मौसीकारो तुसी तैयार रहना क्योंकि तुसी नहीं जाना। चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं। 2 सीट्स हैं, एक अपनी दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। ऑल दो यू विल कम बैक, तो कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद भट्ट और यासिर हुसैन। उसकी गारंटी नहीं है वापस आने की यासिर हुसैन। वेलकम बैक टू मज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं हमारा आपके साथ। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद और जनाब बिलावल भुट्टो। आई थिंक बिलावल, बिकॉज़ आई हैव नेवर मेट हिम, आई वुड लाइक टू नो हिम। ओके बिलावल भुट्टो को कॉल होगी। वो शेख साहब आप रह गए हैं। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है, आप प्लीज चले जाएं। ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, उष्णा शाह और मिनाल खान। तो ये बताइए कि सेल्फी किसके साथ लेंगी? सबा के साथ। सबा कमर से सेल्फी होगी जी। कर्टसी में स्माइल बैक किसको कर रही हैं? कर्टसी में स्माइल बैक मिनाल को। और किसको कहेंगी कि आपका फ्लोर आ गया है? चले जी उष्णा। ओके तुम्हारा फ्लोर आ गया है उष्णा, अंडरस्टैंड्स। ओके ये बताइए किसको इंस्टाग्राम के ऊपर आप ओपनली फॉलो करेंगी, किसको आप सीधा ब्लॉक ही कर देंगी और किसको आप सीक्रेटली फॉलो करना चाहेंगी? ओके ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमाद इरफानी, बिलाल अब्बास और जनाब हुमायूं सईद। तो ये बताएं ओपनली किसको फॉलो करेंगी? इमाद एंड आई फॉलो ईच अदर, तो वो तो ओपन है। ठीक है और ये बताएं कि ब्लॉक किसको करेंगी? बिलाल जी, बिलाल बोल देती हूँ, ही इज अ स्वीट हार्ट। सीक्रेटली फॉलो करेंगी आप हुमायूं सईद को? ठीक है हुमायूं सईद साहब आप हैं वो। ये बताइए मैडम कि मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आमिर लियाकत और जनाब कायम अली शाह। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर लें, बिकॉज़ क्यों मैं दोनों में से किसी की भी तस्वीर? बात तो मजबूरी, मगर आपने कहा कि जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी आप। हाँ चले जाते हैं, देखते हैं। आजादी मिलने के बाद वो कौन सा ऐसा पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया? टर्की? नो, एक हो गया गलत। आप चाहें तो वापस जा सकती हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे। तस्वीर
आप लगाएंगे? आमे की लगा लूंगी, आमे लियाकत, आमे लियाकत की। ठीक है, ये बताएं मैडम, टाइटैनिक पर जा रही हैं आप, दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेकर जा सकती हैं। ठीक है, ये टाइटैनिक पर अपने साथ आप किसको लेकर जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी और फवाद खान। आई नो अदू प्रीटी वेल, तो नहीं, I'll take Fawad along. Okay. अदनान साहब आपको वो जानती हैं, इसलिए आपको इनकार कर दिया है। फवाद खान आप हैं वो जो कि टाइटैनिक पर जाएंगे, अवार्ड शो पे जा रही हैं आप। जी। गाड़ी खुद ड्राइव कर रही हैं, आपकी गाड़ी है, चार सीट्स आपकी गाड़ी है, बाकी हैं। कौन सी होंगी वो चार खवातीन जो आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास माहिरा खान, महविश हयात, हरीम फारूक, सज्जल अली और एक सज्जल, दो महविश, तीन आई डोंट नो हरीम एंड माहिरा। ओके, तो हरीम को आपने गाड़ी में जगह नहीं दी। Because I don't know her, so I don't. ठीक है, हरीम आपको नहीं जानती, आपको गाड़ी में जगह नहीं दी। बिल्कुल ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं आप, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगी? ऑप्शन आपके पास जो है वो है अदनान समद खान और कैसर पिया। जिन्होंने ताड़ी ली जैकेट पाई उन्होंने दे दे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पांच ख्वातीन फिल्म डायरेक्टर्स के नाम बताइए। संगीता जी हो गई, महरीन हो गई, ज़ेबा आपा हो गई, जी दो रह गई, समीना पीरज़ादा, चार हो गई, शमी महाराज जी। मेरी इज्जत रह गई। ना, ये जवाब नहीं निकल सका, मगर उन्होंने सही जवाब दे दिया। जी अदनान, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और आयमा बेग। हानिया आमिर। हानिया आमिर को कॉल करना चाहेंगे। ठीक है, ये बताएं, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक को सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, फवाद खान और फवाद मुस्तफा। सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किन को देंगे? फवाद। और किन को कहने के फ्लोर आ गया? अली भाई, भाई हैं, भाई हैं वो। ठीक है, भाई हैं वो, तो अली भाई आपका फ्लोर आ गया है। ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, दो सीट्स हैं, एक अपनी, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है, ऑल्दो यू विल कम बैक, तो कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद भट्ट और यासिर हुसैन। उसकी गारंटी नहीं है वापस आने की, यासिर हुसैन। ओके, I like his expression. Yeah. I wonder why. ये बताइए सर, आप भी जा रहे हैं एक अवार्ड शो पे, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, चार सीट्स हैं, बाकी कौन होंगे वो चार लोग जिनको आप लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी, जनाब हमायूं सईद, जनाब अदनान सदीकी, जनाब नुमान एजाज और जनाब सुहेल अहमद। मुश्किल में डाल दिया आपने यार, फैसल भाई से माजरत करूंगा। फैसल भाई से माजरत है और उसके अलावा बाकी चारों को लेके जाया जाएगा। ठीक है, टाइटैनिक पर चलें, दो वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाने, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? माहिरा खान, सबा कमर या महविश हयात? महविश हयात। महविश हयात। डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान खालिद भट्ट, अहमद अली और जनाब अहद रजा मीर। जी अहद, अहद रजा मीर को। ओके, अहद रजा मीर ले गए हैं लाइफ जैकेट। माहिरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दान, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर सर।